तुझसे जुड़े मेरी खुशियों के तार, तेरी हंसी जैसे खिलते हो फूल, गुस्सा तेरा जैसे चुभते हो शूल। तुझसे है दिल के चमन का निजाम, दिन रात तेरे गुलाम। आखिर बंद पेश कर रहा हूँ। जब से दिए तूने उल्फत में घाव, मेरे कलम को है तुझसे लगाओ। जब से दिए तूने उल्फत में घाव, मेरे कलम को है तुझसे लगाओ। गजलों के दर्पण में तेरा ही रूप, गीतों के आंगन में तेरी ही धूप। तुझ पे न्योछावर है मेरा कलाम, दिन रात तेरे गुलाम। ये आप इसको अन्यथा ना लेना। असल में मैंने जो अपनी तारीफ में कुछ और से जो झांसी बोले थे वो इसलिए है, दूसरा नहीं करता है तो फिर अपने आप करना पड़ती है। क्या कह रहे हैं ये बात को मैं से पहले शुरू हो जाते हमने दी। हमारे सेमचंद त्रिपाठी जी थे, आप सब जानते होंगे आचार्य सेमचंद त्रिपाठी साहब, बहुत अच्छे कवि भी थे, शायरी भी करते थे, संस्कृत फारसी सब जानते थे, लेकिन उनको उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं करते थे लोग। तो उन्होंने क्या करा कि वो अपनी जो उनकी चिट्ठियां, जैसे कोई शहर उनका आगरा में कोई मिलने वाला रहता, कोई रिश्तेदार रहता, कहीं दिल्ली में रहता, उन्होंने लोगों से कह दिया टेलीफोन कर करके कि भैया ऐसा है कि जब जब आप चिट्ठी भेजो तो उसमें आचार शिवकेंद्र त्रिपाठी लिख के भेजा करो। तो वो जो चिट्ठियाँ आती थी उसमें लिखा रहता था आचार शिवकेंद्र त्रिपाठी, और जो लोग भी हम आप में से जो भी लोग उनका मिलने जाते थे वो चिट्ठियां दिखाते थे, देखो ये चिट्ठी दिल्ली से आई है, लखनऊ से आई है। हालांकि उनसे कोई मतलब नहीं होता था उन लोगों से, लेकिन वो दिखाते थे कि ये देखो तुम कि आचार नहीं किया। और धीरे 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 करके ये हुआ कि आचार शिवकेंद्र त्रिपाठी उनका नाम हो गया, कहीं से कोई डिग्री कोई। तो मुझे भी यकीन है कि आज नहीं तो कल उस रूप में मैं रिकॉग्नाइज किया जाऊंगा, और कोई नहीं तो मैं अपने आप ही अपनी भूमिका इस तरह से बनाऊंगा कि आप लोग एक्सेप्ट करने की मैं अपनी इस कामयाब गीत के बाद मैं अब हमारे राणा साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हलीम राणा साहब बहुत अच्छे शायर हैं, और हमने अभी जैसे जब्बार साहब के बारे में, अरमान साहब के बारे में कहा था कि बाहर के मुशायरों में झांसी की नुमाइंदगी करते हैं, वही काम हमारे राणा साहब भी करते हैं, बल्कि उनसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। और मैं उनको आवाज़ देना चाहता हूँ इन दो मिसरों के साथ कि सिर्फ लहजा नहीं चेहरा भी गजल जैसा है, सिर्फ लहजा नहीं चेहरा भी गजल जैसा है, वो गजल पढ़ने में लगता भी गजल जैसा। हलीम राणा साहब एक मतलब ये हुआ है कि न जाने क्यों दिखावे की ये खुददारी नहीं जाती, न जाने क्यों दिखावे की ये खुददारी नहीं जाती, तुम्हारे साथ ये रहती है बीमारी नहीं जाती, तुम्हारे साथ ये रहती है बीमारी नहीं जाती। और शेर मुलाजा फरमाइश शायद किसी काबिल हो कि अमीरों की तरह रहने का हमको शौक नहीं हुआ, अमीरों की तरह रहने का हमको शौक ले डूबा, अच्छा सलीके से अगर रहते जमींदारी नहीं जाता, अच्छा अच्छा अमीरों की तरह रहने का हमको शौक ले डूबा, सलीके से अगर रहते जमींदारी नहीं जाती, जमींदारी नहीं जाती सलीके से अगर रहते। अच्छा भाई बाबा, अभी अंजुम साहब ने एक बात कही तो लगता है कि मोहतरम बिल्कुल ताज़ा गजल, और इल्तिजा यही कि माहिर फन जब आपने अपने आप में बताया और मोहतरम में बैठे हैं जमींदार हैं चलो साहब हैं, मैं भी भूल गया, नहीं नहीं मैंने आपको इसलिए पहले कह दिया मैं बाकायदा इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल ताज़ा गजल है और इस्लाही नज़र से देख लें, वही देख मतलब मिलाजू भाई के हाथ में मीर का दीवान लिया,
हाथ में मीर का दीवान लिया, हाथ में मीर का दीवान लिया, शायरी क्या है तुमने जान लिया? क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह यार राणा साहब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मीर का दीवान लिया, क्या बात है, शायरी क्या है तुमने जान लिया? वाह वाह वाह, हाथ में मीर का दीवान, बहुत अच्छा है, शायरी क्या है तुमने जान लिया? ये मतलब मुलाजा फरमाए कि जब भी सूरज ने इम्तहान लिया, जब भी सूरज ने इम्तहान लिया, सूरज ने इम्तहान लिया, साहिबा रहमतों का तान लिया, क्या बात है, क्या बात है, जब भी सूरज ने इम्तहान लिया, रहमतों का तान लिया, और मैंने सर को झुका दिया मौला, मैंने सर को झुका दिया मौला, झुका दिया मौला, तूने जब जब भी इम्तहान लिया, क्या बात है, क्या बात है, मैंने सर को झुका दिया मौला, तूने जब जब भी इम्तहान लिया, इम्तहान लिया। और ये शेर देख लें कि बात करना जरा सलीके से, क्या बात है, बात करना जरा सलीके से, जरा सलीके से, वैसे शिजरा तो हमने जान लिया, क्या बात है, बहुत अच्छा है, बात करना जरा सलीके से, वैसे शिजरा तो हमने जान लिया, और मैंने दो गज जमीन क्या ले ली, क्या बात है, मुलाजा फरमाए कि मैंने दो गज जमीन क्या ले ली, सर पे लोगों ने आसमान लिया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है, मैंने दो गज जमीन क्या ले ली, सर पे लोगों, बहुत अच्छा है, सर पे लोगों ने आसमान लिया, और उसने दौलत को मार दी ठोकर, उसने दौलत को मार दी ठोकर, मार दी ठोकर, जिंदगी तुझको जिसने जान लिया, क्या बात है, हकीकत है, बिल्कुल सही है, सही है, उसने दौलत को मार दी ठोकर, क्या बात है यार, क्या क्या सूफियाना फलसफियाना शेर है आपके, जिंदगी तुझको जिसने, फलसफा है जिंदगी का, और कब्र में जिस्म आज सोया है, वाह, कब्र में जिस्म आज सोया है, रूह ने जब नया मकान लिया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कब्र में जिस्म आज सोया है, रूह ने जब नया मकान लिया, और शायरी क्या है भूल जाओ, वाह, शायरी क्या है भूल जाओगे, मैंने जिस रोज़